हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने वाले हैं डोसा मक्के के आटे का। फटाफट बनके तैयार हो जाने वाला है और आप इसे बच्चों के लंच में भी दे सकती हैं। घर में गेस्ट आए हैं, नए तरीके का डोसा बना के खिलाइए और ढेर सारी तारीफ़ें मिलेंगी आपको। तो चलिए, एक कप मक्के का आटा ले लीजिए और उसी कप से हम नाप लेंगे, चौथाई छोटा कप हम ले लेंगे उसी से गेहूँ का आटा, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। गेहूं का आटा हमने इसलिए मिक्स किया ताकि डोसा हमारा टूटे ना और अच्छे से बनके तैयार हो जाए। आप चाहें तो इसमें आटा और भी मिक्स कर सकती हैं। अगर आपको इसमें बनाने में फर्स्ट टाइम बना रही हैं, दिक्कत आएगी बनाने में, तो आप इसमें आधा कप आटा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और अब हम इसमें एक कप पानी डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मक्के का आटा पानी ज़्यादा सोखता है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल इसको हमें पतला बनाना है, गाढ़ा नहीं रखना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, आपका भी डोसा परफेक्ट तरीके से बनके तैयार होगा और खाने में जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और अब हम इसमें आधा कप पानी इसमें और डालेंगे और इसको हम वापस से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल भी इसमें गांठे जो है नहीं रहनी चाहिए। इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसमें बिल्कुल भी गांठे नहीं है और अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें एक कप पानी और ऐड करेंगे। टोटल इसमें एक कप हमने पहले डाला, आधा कप बाद में और फिर एक कप अभी। टोटल इसमें ढाई कप पानी हो गया है। और अगर आपको मिक्स करने के बाद थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं अभी मतलब ये गाढ़ा लग रहा है घोल, तो आप उसमें पानी की मात्रा और भी बढ़ा सकती हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, इसको हमें गाढ़ा नहीं बनाना है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये घोल जो है हमारा बनके तैयार हुआ है। ये देखिए, अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने इसमें डाल दिया है एक छोटा चम्मच अदरक और लहसुन कुटा हुआ, एक छोटा चम्मच साबुत जीरा, छोटा चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से रख सकती हैं, और चौथाई छोटा चम्मच हमने इसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर, चौथाई छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है मक्के का आटा, ट्राई ज़रूर कीजिए। और पसंद आए वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है हरे धनिए से और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आता है इसका। तो इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया और अब हम इसको एक साइड रख देते हैं। हमको अगर घोल थोड़ा सा भी गाढ़ा लगेगा तो हम उसमें पानी का इस्तेमाल और कर लेंगे आगे की तरफ। अभी हम पढ़ और गैस को ऑन करके मैंने रख दी है कढ़ाई, और एक बड़े चम्मच करछी के हिसाब से हमने इसमें ऑयल डाल दिया है, और एक छोटा चम्मच जीरा, और एक चुटकी भर हमने हींग डाल दी है। इसी के साथ कुटा हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्च, इन सबको हम अच्छे से भून लेंगे। और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटी कटोरी से मैंने ये हरी मटर छील के रख ली है। आप चाहे तो सफ़ेद मटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और अब मटर को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे जिससे मटर हमारी पक जाए, और एक मिनट का टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं। और इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं कड़ी पत्ता डालना भूल गई थी, तो आप कड़ी पत्ता पहले डाल दीजिए, मैंने अभी डाला। और छोटा चम्मच इसमें चौथाई छोटा चम्मच राई डाल दीजिए, राई को चटकने दीजिए। इस तरीके से राई और कड़ी पत्ता भी हमारा अच्छे से लाल हो गया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे दो मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर, और टमाटर को फटाफट गल जाए इसलिए हमने इसमें डाल दिया है चौथाई छोटा चम्मच नमक। नमक डालने के बाद टमाटर बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। और ये देखिए, टमाटर बहुत ज़्यादा हमें नहीं, उसको पेस्ट नहीं बनाना है, ये गल चुके हैं। और इसी के साथ मैंने ये तीन आलू बॉयल करके रखे थे, इसको हमें हाथों से तोड़ना है, बारीक नहीं करना है, बस हाथों से हमें इसको तोड़ लेना है। अगर आपको लगते हैं कुछ पीसेस बड़े रह गए हैं तो इस तरीके से आप इसको करछी की मदद से प्रेस करके तोड़ सकती हैं। और अब हम इसमें डालेंगे चौथाई छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चौथाई छोटा चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर,
और ये हमने डाला इसमें 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक हमने पहले ही ऐड कर दिया था, और हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। स्टफिंग भी हमारी तैयार हो गई है, मसाला डोसा बनने के लिए तैयार हो चुका है इसका ये मसाला। ये देखिए ये तैयार हो चुका है, बहुत ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना है, बस अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। बस एक मिनट तक और हम इसको करेंगे, गैस पे रहने देंगे, अच्छे से हो चुका है और हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अब हम देखते हैं जो हमने ये घोल बना के रखा था गाढ़ा है या जैसा हमने इसको पतला छोड़ा था वैसा है। तो ये घोल तो परफेक्ट है, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। तो बस अब हम गैस पे रखेंगे तवा, ये नॉनस्टिक तवा है, आप लोहे का तवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस थोड़ा सा ऑयल डालना है और ऑयल को हम चारों तरफ तवे पे फैला देंगे अच्छे से, जिससे जो है हमारा डोसा इसके साथ चिपके ना। पहली बार दिक्कत आएगी, थोड़ा सा आप तेल लगा लीजिए इस तरीके से कुकिंग ऑयल, दूसरी बार आपको बार बार ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जो ज़्यादा ऑयल है उसको हम इस तरीके से टिश्यू पेपर से निकाल लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं। और ये देखिए, और एक बात का आप ध्यान रखिए, गैस पे जो हम तवा रखेंगे बिल्कुल उसको अच्छे से गर्म हो जाने दीजिए। अगर आपका तवा अच्छे से गर्म नहीं होगा तो आपको बनाने में दिक्कत आएगी। अब इस तरीके से आप ले लीजिए और चारों तरफ इस तरीके से हम इसको तवे पे फैला देंगे। ये देखिए अच्छे से हमने इसको फैला दिया है। और अब हमें 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा, गैस का फ्लेम मीडियम ही रखिए। एक बार हाई फ्लेम पे गरम कर लीजिए तवे को, जब तवा गरम हो जाए। और इस तरीके से हमने अपना घोल इस पे डाल दिया है, तो अब हम गैस को स्लो कर देंगे और स्लो गैस पे रखते हुए 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा इसको पकने देना है आपको। इसको अभी नहीं छेड़ना है, जब आपको हल्का हल्का ये जो आपको जो थोड़े छोटे छोटे होल दिखाई देना तो ब्राउन दिखाई देने लगेगा, तो आप इसको पलट दीजिए नीचे का ऊपर करके, ऊपर का नीचे करके हम इसको एक बार सेक लेंगे। और देखिए अच्छे से सिक चुका है। और अब हम इसमें हमने जो मसाला बना के रखा था इसका वो डाल देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसको डाल दिया और ये आपका मसाला डोसा बन के तैयार है, मिनटों में बन के तैयार हो गया फटाफट। और इसी तरीके से हम बागी के डोसे भी बना के तैयार करेंगे। और इसी के साथ हम बना लेंगे नारियल की चटनी, मैंने इसके साथ नारियल की चटनी बनाई है। आप मूंगफली की चटनी, आपको जो पसंद है आप उस चटनी को बना सकती हैं। खाइए, एंजॉय कीजिए। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही नई वीडियो लाती रहूँगी और आप सब्सक्राइब करेंगी, लाइक करेंगी, मुझे हौसला बढ़ेगा और मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूँगी। अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।